नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भंडारिया। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, चंद्रयान 2 सुबह चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है और चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने में चंद्रयान 2 को करीब आधा घंटे का समय लगा। इसरो द्वारा ये सारी जानकारी दी गई है। इसरो द्वारा अन्य और भी जानकारियां दी गई है, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। चंद्रयान 2 को 23 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में 6 दिन का समय लगा। अब ये यान चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद की सतह पर पहले से निर्धारित की गई जगह पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो द्वारा जानकारी दी गई है कि मिशन का सबसे जटिल दौर पूरा हो चुका है और चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। अब यान के इंजन को 4 बार चालू किया जाएगा, पहली बार 21 अगस्त को, दूसरी बार 28 अगस्त को, इसके बाद 30 अगस्त को और फिर 1 सितंबर को भी यान का इंजन चालू किया जाएगा। 2 सितंबर को लैंडर और रोवर को अलग किया जाएगा। 3 सितंबर को चंद्रयान 30 सेकंड के लिए अपना स्थान बदलेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि लैंडर सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। 7 सितंबर को रात को 1:55 पर चंद्रयान 2 चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो द्वारा बताया गया कि यान की गति सामान्य थी, अगर इसमें थोड़ी भी गलती होती तो पूरा मिशन फेल हो सकता था। चंद्रयान 2 मिशन की लॉन्चिंग की तारीख पहले 15 जुलाई थी, लेकिन इसे 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। तारीख आगे बढ़ जाने के बाद भी चंद्रयान 2 तय तारीख 7 सितंबर को ही पहुंचेगा और इसे समय पर पहुंचाने का मकसद यही है कि लैंडर और रोवर तय शेड्यूल के हिसाब से काम करें। इस समय को बचाने के लिए चंद्रयान ने पृथ्वी का एक चक्कर कम लगाया है। पहले 5 चक्कर लगाने थे पर बाद में इसे 4 किया गया। लैंडिंग ऐसी जगह पर तय की गई है जहां पर सूरज की रोशनी ज्यादा है। रोशनी 21 सितंबर के बाद कम होना शुरू होगी। लैंडर और रोवर को 15 दिन काम करना है, इसलिए समय पर पहुंचना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।